हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ नाइन। रूल ऑफ नाइन क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, वो सारा चीज़। तो जो रूल ऑफ नाइन होता है वो जो बर्न क्लाइंट होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, जिनमें बर्न हुआ है उनका मतलब देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें रूल ऑफ नाइन क्या यूज़ होता है, कैलकुलेट करना बॉडी सरफेस एरिया को जो कि इन्वॉल्व है बर्न इंजरी, कितना पार्ट बॉडी का जो भी सरफेस एरिया है कितना इन्वॉल्व है बर्न इंजरीज में। तो इसमें हम ये देख लेते हैं एंड इसका ये जो हम एक मेल बॉडी बनाई है उसमें देखते हैं, तो हम जो हेड और नेक पार्ट होता है उसको हम 9% देते हैं, एंटीरियर टार्सो मतलब आगे का जो हिस्सा है पूरा उसको देते हैं 18%, और डार्सो पोस्टीरियर टार्सो जो होता है 18% देते हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज को दोनों हाथों को मिला मिला के देते हैं 18%, 9 1 हैंड 9 अपर सेकेंड हैंड, एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज जो होती है उसमें 1 लेग को देते हैं 18 और सेकेंड लेग को देते हैं 18, तो इसमें 36 हो जाता है, और एक पार्ट इसमें देते हैं जेनिटेलिया को 1%, तो टोटल क्या होता है 100% हो जाता है। ईजी है लर्न करना, हेड और नेक को देंगे 9% और एंटीरियर टॉर्सो में आ जाएगा दोनों हैंड, सॉरी हैंड नहीं, जो भी एब्डोमिनल एरिया है फ्रंट वाला उसको देंगे इंटीरियर टॉर्सो, पोस्टीरियर में बैक वाला पोर्शन आ जाता है 18% हो जाता है। अपर एक्सट्रीमिटीज दोनों हैंड्स में हो गया, अपर वाला जो भी हमारी एक्सट्रीमिटीज है उसको 18%, और लोअर में दो बोथ फीट्स आ जाएंगे पूरा पैर उनको देंगे 18% 18%, तो 36 हो जाएगा, एंड जेनिटेलिया को 1% देंगे तो टोटल कैलकुलेट टोटल जो काउंट करेंगे तो 100% आएगा। इसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को फ्लूड बॉडी फ्लूड को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पिक्चर में पूरी तरीके से क्लियर है, हम इसका जो हेड और ट्रंक है उसका हम 9 ले रहे हैं, तो 4.5% और इसका जो इंटीरियर ट्रंक है उसका हम 18% ले रहे हैं और पोस्टीरियर रंग का भी 18% ले रहे हैं, और हैंड का हम जो होता है 9% 9% ले रहे हैं बोथ, और जेनिटेलिया का 1% और लेग्स का 19 19 18%, तो ये टोटल मिला के 100% बॉडी सरफेस एरिया आ जाता है।